गुड मॉर्निंग, आई एम तबरेज़ अख्तर। दिस इज़ योर साइंस क्लास। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, कलरफुल एंड डिफरेंट। ऑन द वे टू स्कूल वी सी थिंग्स लाइक बसेस, कार, साइकिल्स, ट्रीज, एनिमल्स, समटाइम्स फ्लावर्स। हाउ डू यू थिंक वी सी ऑल दीज ऑब्जेक्ट? तो हम बहुत सारी चीज़ें आसपास देखते हैं, कुछ कलरफुल होती हैं, कुछ अलग अलग साइज़ की होती हैं, शेप की होती हैं, और जब हम कहीं आते जाते हैं हम बहुत सारी चीज़ें लाइक बसेस, कार्स, ट्रीज, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, आप अभी भी कुछ देख रहे हो, आपके आँखों के सामने कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा जो कि आप देख पा रहे हो। और आपको क्या लगता है कि आप कैसे देख सकते हो और कैसे देख रहे हो? थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट एट टाइम इफ़ इट वर कम्प्लीटली डार्क, वॉट विल यू सी? सपोज यू गो इन साइड योर कम्प्लीटली डार्क रूम, आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम? तो आप बताओ, रात में क्यों नहीं देख पाते हो? रात में अंधेरा होता है चारों तरफ, या आप किसी ऐसे कमरे में चले जाओ जहाँ बिल्कुल भी लाइट ना हो, तो वहाँ क्यों नहीं दिखाई देता है? बट वेन यू लाइट अ कैंडल और अ टॉर्च, यू द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द रूम, इजेंट इट? विदाउट लाइट्स थिंग्स कैन नॉट बी सीन। तो हमें ये पता चला कि अगर लाइट नहीं होगी तो हम कोई भी चीज़ नहीं देख पाएंगे। जैसे कि रात में लाइट नहीं होती है, कहीं लाइट नहीं होती है, अगर डार्क रूम में किसी ऐसे कमरे में जहाँ कोई भी रोशनी नहीं है और रात का टाइम पे है, रात का टाइम है, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है। लाइट की हेल्प से ही हम कोई चीज़ देख सकते हैं। द टॉर्च बल्ब इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन। द सन इज़ अनदर फेमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट। तो टॉर्च और सन जो है ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सन जो है वो लाइट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से चारों तरफ रोशनी होती है और हमें दिखाई देता है, जैसे कि टॉर्च भी ऐसा ही करता है। ऑब्जेक्ट लाइक सन दैट गिव्स आउट द आउट और एमिट लाइट्स ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि खुद ही लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उनको कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वॉट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर, अ पेंटिंग और अ शू? वी सी दीज व्हेन लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन दीज एंड ट्रेवल्स टूवर्ड्स अवर आईज। तो अब इन ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कहोगे, जैसे कि चेयर है, टेबल है, ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं तो लाइट तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, क्या इनसे लाइट तो नहीं निकलती है? लेकिन ये जब दिखाई जब ही देते हैं, जब कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की तरफ से लाइट आती है, तभी ये सारे ऑब्जेक्ट दिखते हैं, जैसे कि चेयर हो गए, टेबल हो गए। ठीक है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की वजह से ही ये सारे दिखते हैं हमें। ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। रिकॉल अवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट इन चैप्टर 4। इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, इट इज़ एन ओपेक। तो ओपेक और ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट के बारे में फिर से रिकॉल कीजिए, हमने पढ़ चुके हैं। तो ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं जिसके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं जिसके आर पार हम देख सकते हैं। देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ऐसे कहलाते हैं जो कि जिनके आर पार हम देख सकते हैं पर पूरी तरह क्लियर नहीं देख सकते हैं। एक्टिविटी 1, लुक अराउंड यू एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन, एन इरेजर, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर, पीस ऑफ क्लोथ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आसपास जो हैं वो सब इकट्ठे कीजिए। ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इज लाइव फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आई थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल एज शोन इन फिगर 11.1। तो इन सारे ऑब्जेक्ट को आप इकट्ठा कीजिए और फिर देखिए कि क्या इनसे आपके आँखों तक लाइट पहुँच रही है या नहीं। ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे।
तो इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप देखना शुरू कीजिए, क्या इनके जब इसको लगा के आप देख रहे हैं तो क्या आपको उसके पार की चीज़ दिखाई दे रही है या नहीं। ठीक है, वी सी दैट अ गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। तो हम इससे पता लगा पाएंगे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं, जिसके आर पार साफ साफ दिख रहा है, कुछ चीज़ें हैं ट्रांसलूसेंट यानी जिसके आस आर पार नहीं दिख पा रहा है ठीक से, और कुछ चीज़ें हैं ओपेक यानी बिल्कुल भी उसके आसपास आर पार नहीं दिखता है। ठीक है, तो इसी से आपको आपको ये टेबल फिलअप करनी है। नाउ ओपेक डिपेंडिंग ऑन वेदर ऑलवेज लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली पार्शली और नॉट ऑल। ठीक है, तो इस टाइप से आपको टेबल बनानी है। वॉट एग्जैक्टली आर शेडोज़। अब शेडोज़ क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट स्लाइटली अबव द ग्राउंड। वट डू यू सी ऑन द ग्राउंड? यू नो दैट द डार्क पैच फॉर्म बाय ईच ऑन द ग्राउंड इज ड्यू टू इट्स शेडो। सम टाइम यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट्स शेडो। शेडो मतलब सिंपली हम कहते हैं परछाई। अब इसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि ओपेक है यानी जिसके आर पार नहीं दिखता, अगर हम उसको रख देंगे धूप में तो उसकी एक परछाई बनती है। स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, होल्ड अ फेमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट। अब एक शीट आप रखिए ग्राउंड में, एक कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखिए, ठीक है, कुछ दूरी पे, सो दैट इट्स शेडो इज़ फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। ताकि ऐसा रखिए ताकि उसका जो शेडो है, उसकी जो परछाई है, वो जो आपने शीट बिछाई है ग्राउंड में उस पर पड़े। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द शेडो। और किसी एक दोस्त से कहिए कि उस पेपर में जो परछाई पड़ रही है उसको ड्रॉ करें। यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट, और आप ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखे हुए हैं। ड्रॉ आउटलाइंस ऑफ द शेडो ऑफ आउटर ऑब्जेक्ट इन द सिमिलर वे। नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दीज आउटलाइंस ऑफ शेडो। और किसी और दूसरे फ्रेंड से कहिए कि ये जो शेडो की वजह से आपने जो ड्राइंग बनाई है, तो वो ये बताने की कोशिश करेगा कि क्या है ये। तो आपके फ्रेंड से आप पूछिए कि ये क्या है, ठीक है। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली। और दो चार ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा ही कीजिए और अपने दोस्त से पूछिए उसका ड्राइंग बना के, यानी शेडो की ड्राइंग बना के, कि ये क्या है। अगर वो बता पाता है तो आप इसको नोट डाउन कीजिए कि कितने ऑब्जेक्ट के बारे में वो सही आंसर दे पाया। डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन द डार्क रूम एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट? डू यू ऑब्जर्व द शेडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन अ रूम? इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शेडो। तो अब कभी आपने शेडो देखा जब बिल्कुल भी लाइट ना हो, अंधेरा हो बिल्कुल? क्या कभी आपने शेडो देखा जब लाइट तो हो लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो? यानी एक कमरा हो, ठीक है, उसके आसपास उस कमरे में कुछ भी ना हो, खाली कमरा हो, और उसमें सिर्फ एक बल्ब लगा हो, लाइट लगी हो, तो जब वो लाइट जलेगी तो आपको उस कमरे में कोई भी शेडो नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, है ना, है ना। तो शेडो के लिए एक तो लाइट होना ज़रूरी है, सोर्स ऑफ लाइट होना ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। कैसा ऑब्जेक्ट? जो ओपेक हो। ओपेक यानी जिसके आर पार लाइट नहीं जाती, ठीक है। इज़ देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड? क्या इसके अलावा भी कोई चीज़ की ज़रूरत होती है? एक्टिविटी थ्री। समटाइम्स शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव्स अ आइडिया अबाउट इट्स शेप। तो शेडो, किसी ऑब्जेक्ट का शेडो जब हम देखते हैं तो कभी कभी हमें पता भी चल जाता है कि वो चीज़ क्या होगी।
अगर पीछे से कोई आ रहा है और हमें उसका शेडो दिख गया है आगे, तो हम बता देंगे कि वो कौन है, वो क्या है, कोई गाड़ी आ रही है या कोई एनिमल है या कोई इंसान है। दिस इज़ एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क। इन द इवनिंग गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद अ फ्यू फ्रेंड्स। तो ये एक्टिविटी डार्क में करना है, आपको ऊपर जाना है, ठीक है, ऊपर ग्राउंड या फिर किसी खुले मैदान में। टेक अ टॉर्च एंड लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड। एक टॉर्च लेकर लेना है और कार्डबोर्ड लेना है। होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड्स सो दैट इट्स लाइट फॉल्स ऑन योर फ्रेंड्स फेस। तो उसको जो है ग्राउंड में रख के आपके फ्रेंड की तरफ पे फोकस करना है उस टॉर्च को। यू नाउ हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज़ फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट। नाउ अब ये कंडीशन क्या हो गई कि आपके पास टॉर्च है जो लाइट प्रोड्यूस करता है और ये लाइट जो है वो आपके फ्रेंड के ऊपर पड़ रही है। तो आपके पास दोनों चीज़ें हो गई, ओपेक ऑब्जेक्ट और लाइट। एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड, वुड यू सी द शेडो ऑफ योर फ्रेंड्स हेड। तो क्या अब आप अपने दोस्त के हेड का शेडो देख पा रहे हो या नहीं? तो ऐसा नहीं हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब और ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वुड यू सी द शेडो ऑफ योर फ्रेंड्स हेड, दिस डज नॉट मीन, इससे ये नहीं कह सकते हैं कि देयर इज़ नो शेडो, कि उसमें उसका कोई शेडो ही नहीं है। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज़ नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू अदर साइड। इसका मतलब ये है कि जो टॉर्च से जो लाइट निकल रही है वो उसके बॉडी से पास होके किसी और ऑब्जेक्ट में नहीं पड़ पा रही है, इसीलिए उसका शेडो नहीं बन रहा है। तो नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड सीट बिहाइंड योर फ्रेंड। अब किसी दूसरे दोस्त से कहिए कि अपने उस दोस्त के पीछे खड़े हो जाए, जैसे कि ये उसके पीछे खड़े हो जाए और एक कार्डबोर्ड लेके खड़े हो जाए, ठीक है। द शेडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट। अब आपको कार्डबोर्ड में शेडो दिख जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि शेडो के लिए अब लाइट तो है और एक ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन वो शेडो दिखाई किस चीज़ में देगा, है ना। ऐसी कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कोई प्लेस भी होना चाहिए जिस पर वो परछाई पड़े तो दिखाई दे, ठीक है। अगर वो हवा में ही रहेगी, ऊपर की तरफ ही रहेगी, तो परछाई नहीं बनेगी, ठीक है। तो टॉर्च कुछ इस तरीके से रखो, या तो कुछ इस तरीके से टॉर्च पकड़ो ऊपर की तरफ ताकि उसकी परछाई ज़मीन में बने, ग्राउंड में जहाँ खड़ा हुआ है। या फिर अगर आप टॉर्च सीधा पकड़े हुए हो या नीचे से उठा के पकड़े हुए हो तो उसकी परछाई नहीं बनेगी, क्योंकि अब उसकी परछाई ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर की तरफ परछाई कुछ नहीं बनती, ठीक है, हवा में तो कुछ नहीं बनती परछाई, है ना। तो इसके लिए करना ये पड़ेगा कि किसी बच्चे को पीछे कार्डबोर्ड लेके खड़ा होना पड़ेगा ताकि परछाई उस पर बन सके, ठीक है। अब उसके बाद कुछ शेडोज़ ऑफ एनिमल्स हिडन इन योर हैंड। अब ये अपने हाथ से बनाने वाले कुछ शेडो हैं जो कि एनिमल के जैसे दिखते हैं, ठीक है, आप ये घर में ट्राई कीजिएगा, ठीक है, एक टॉर्च के हेल्प से कर सकते हैं। अ बिल्डिंग और अदर सच सर्फेसेस आर द स्क्रीन फॉर द शेडो यू ऑब्जर्व इन एवरी डे लाइफ। शेडो गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। समटाइम्स शेडो कैन ऑल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो शेडो की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के शेप का पता चलता है, कभी कभी इसकी वजह से धोखा भी हो जाता है। आर द फ्यू शेडो डैट वी कैन क्रिएट विद आवर हैंड्स एंड मेक बिलीव दैट दे आर शेडो ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो हम अपने हाथ से भी कुछ ऐसा शेडो बना सकते हैं जिससे पता ये चलेगा कि वो किसी एनिमल का शेडो है, जबकि ऐसा नहीं होता, वो हमने हाथों से बनाया हुआ है।
एक्टिविटी 4, प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे। किसी सनी डे में आप अपनी चेयर को ग्राउंड में रखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ चेयर। चेयर के शेडो से आपको क्या लगता है। डज द शेडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर। तो क्या आपको वो जो चेयर का जो शेडो दिख रहा है उससे पता चल रहा है कि वो जो शेडो है वो किसी चेयर का ही है। देन टेक रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो। अब किसी बॉक्स का शेडो देखिए, उसका शेडो कैसा दिख रहा है। डू द टू शेडो सीम द सिमिलर शेप। तो क्या उस चेयर का शेप और किसी बॉक्स का शेप एक जैसा दिख रहा है। टेक फ्लावर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड लुक एट देयर शेडोज। द रेड रोज एंड द येलो रोज फॉर इंस्टेंस। डू द शेडो लुक डिफरेंट इन कलर व्हेन द कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। तो कभी आप लाल गुलाब या पीला गुलाब लेकर जाएं धूप में, देखें उनका शेडो, तो क्या आप पता कर पाएंगे कि कौन सा लाल गुलाब है क्या, कौन सा पीला गुलाब है, सिर्फ शेडो को देख करके। तो शेडो से हमें कलर नहीं पता चलता। टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड। व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड यू मे सी दैट द साइज ऑफ शेडो चेंजेस। जब कोई बॉक्स को, लंबे बॉक्स को आप धूप में लेके जाएंगे तो उसका शेडो बनेगा, और लेकिन जब आप बॉक्स को आगे की तरफ खिसकाएंगे या पीछे की तरफ खिसकाएंगे तो उसका शेडो चेंज होने लगेगा। व्हेन इज़ द शेडो ऑफ द बॉक्स आर शॉर्टेस्ट। और आपको ये देखना है कि उसका बॉक्स का शेडो छोटा कब हो रहा है। व्हेन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स इज पॉइंटेड टूवर्ड्स द सन और व्हेन द शॉर्ट साइड इज पॉइंटेड टूवर्ड्स द सन। अगर शॉर्ट पॉइंट सन के टूवर्ड्स रहेगा तो उसका शेडो छोटा होगा, अदरवाइज उसका शेडो बड़ा दिखेगा अगर उसका बड़ा हिस्सा सन के टुवर्ड्स होगा। तो ये एक चैप्टर है जिसमें हम अभी हमने शेडो के बारे में पढ़ा। तो आप कुछ एक्सपेरिमेंट कीजिए शेडो के बारे में ताकि आपको पता चल सके कि शेडो छोटा और बड़ा कब होता है और आप शेडो से क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि हाथ के शेडो से आप क्या क्या एनिमल्स को बना सकते हैं। थैंक यू।